नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं महाखबर। आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अयोध्या में राम भक्तों के लिए आज का दिन बेहद खास है। दरअसल भगवान राम की प्रतिमा के लिए शालिग्राम की जो शिलाएं नेपाल से अयोध्या पहुंची हैं, उन्हें आज विधि विधान से पूजा के बाद राम मंदिर ट्रस्ट को सौंप दिया गया है। इस मौके पर पूरी अयोध्या भक्तिभाव में डूबी नजर आई। बड़ी संख्या में श्रद्धालु शिलाओं के दर्शन के लिए राम सेवक पुरम पहुंचे। किसी ने शिलाओं के सामने शीश झुकाया तो कोई भक्तिभाव में लीन होकर झूमता नजर आया। साधु संतों की मौजूदगी में शिलाओं का पूजन हुआ। अब कुछ दिन में इन शिलाओं से राम भगवान आकार लेंगे। राम शिलाओं के साथ नेपाल से कई श्रद्धालु भी अयोध्या पहुंचे हैं। ये लोग शगुन के गीत गाकर अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। इन श्रद्धालुओं का कहना है कि वह महसूस कर रहे हैं कि अयोध्या में फिर त्रेता युग लौट कर आ गया है। इन दोनों शिलाओं को जनकपुर से सड़क के रास्ते अयोध्या लाया गया है। शिलाओं से लदा ट्रक माता सीता की जन्मस्थली सीतामढ़ी और गोपालगंज होते हुए गोरखपुर आया है। राम भक्तों ने शालिग्राम शिला का जबरदस्त स्वागत किया। नेपाल से शालिग्राम शिलाओं के साथ उनकी पूजा अर्चना के लिए प्रसाद भी लाया गया। भगवान राम की प्रतिमा भारत और नेपाल के लोगों को और करीब ला रही है। जनकपुर से शालिग्राम शिलाएं लेकर नेपाल से कुछ श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे हैं। जगह जगह पर हुए स्वागत से ये लोग अभिभूत नजर आ रहे हैं। ये शिलाएं 6 करोड़ साल पुरानी हैं। नेपाल के मुस्तांग जिले के शालिग्राम या मुक्तिनाथ के करीब एक स्थान पर गंडक नदी में पाई गई 6 करोड़ साल पुरानी विशेष चट्टानों से पत्थरों के दो बड़े बड़े टुकड़े पिछले बुधवार को नेपाल से रवाना किए गए थे और यहीं अयोध्या पहुंचे हैं। इसमें एक शिला का वजन 26 टन और दूसरी का वजन 14 टन है। इन शिलाओं का अपना अलग इतिहास है। कहते हैं कि राम जी का ससुराल मिथिला का वह क्षेत्र है जो अब नेपाल में पड़ता है और जनकपुर सीता माता का प्रसिद्ध मंदिर भी जनकपुर में है। फिलहाल राम जी के मंदिर में इन शिलाओं से दोनों के जाने माने मूर्तिकार इसे मूर्त रूप दिलाएंगे और रामलला के स्वरूप की मूर्ति राम मंदिर परिसर में लगाया जाएगा।